बूढ़े हो गए मेरे अब्बा, लेकिन बचपन की मोहब्बत को अभी तक नहीं भूले। 60 साल के होकर भी प्यार भरे सलाम के तबादले हो रहे होते हैं। मेरे दिल तो कर रहा था कि फलक के मुंह पे ना एक थप्पड़ मारूं जोर का। अपना शौहर होते हुए भी मेरे वाले पे नजर है। अच्छा छोड़ना, गुस्सा क्यों कर रही है तू? अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करती? उन्होंने इससे पहले मेरी कोई बात सुनी है? मेरा वहम कह के ना मुझे चुप करवा देंगी, लेकिन इस बार मैं चुप होने वाली नहीं हूं। क्या करेगी तू? शक्ल क्यों उतरी हुई है तेरी? शादी होने जा रही है, कुछ तो खुशी दिखाओ। अब आप क्या चाहती है, कि मैं नाश्ता करूं या भंगड़े डालूं? पत्तन, इस तरह बात करते हैं माँ से? सलाम अलैकुम चाची। वालेकुम सलाम। इसको देखो जरा, बीवी अभी आई नहीं और माँ से बदतमीजी शुरू। समझाओ इसे। ये तुम्हें कहाँ से मिली? लापता होने के बाद तुम्हारी यादें तो मेरे पास थी, शानिया मैंने चुरा ली। तुमने कुछ सोचा इस बारे में? जो मैंने तुमसे बात की थी। तुम ये सब कुछ सोचना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी निकल। फरियाद आज ही उसने देर कर दी। पता नहीं कहाँ रह गई। आगे आगे ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए देर हो गई। अच्छा सुनो, ये रिक्शा वापस मत भेजना, हम इसी रिक्शे पे चलते हैं। कहाँ सड़क पे ढूंढते फिरेंगे? रुखसाना, इतने सारे लोग इस रिक्शे में कैसे आएंगे? दायमी आप लोग रिक्शे में चलें, मैं फलक को मोटरसाइकिल पे ले आऊंगा। फलक को मोटरसाइकिल पे बैठने की आदत नहीं रही है, तुम चची को ले जाओ। रुखसाना कैसे बैठेगी? ऐसा करते हैं, तुम लोग रिक्शे में जाओ, मैं शम्स के साथ आती हूँ। अम्मी दानियाल की कॉल आने वाली है, मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है फलक, तुम घर पे ही रहो। क्यों घर पे रहो फलक? बेटा तुम रिक्शे पे आ जाओ और मैं शम्स के साथ आ जाऊंगी। चलो, वो दानियाल की कॉल आती होगी, मैं जा रही हूँ। अम्मी चची चले, गेती और पुप्पो आ गए होंगे बाजार। चलिए जल्दी बैठे। हाँ, हाँ, पहले ही बहुत देर करती थी। तुम्हें फैक्ट्री नहीं जाना शम्स? जी जाना है। हाँ तो जल्दी जाओ, देर हो जाएगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।